तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल फोर्थ। एग्जाम्पल जो फोर्थ है उसमें आपको दे रखा है, या एक काम करोगे फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल और फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल फोर्थ और फिफ्थ। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है लास्ट के सातवां और आठवां, इन चारों का एक ही मेथड रहेगा, ठीक है ना, चारों का एक ही मेथड रहेगा, सात और आठ एग्जाम्पल और सॉरी सात और आठ क्वेश्चन और एग्जाम्पल चार पांच। तो इनको एक साथ कल की मीटिंग में लेंगे, लेकिन आज की जो मीटिंग है ना इसमें क्वेश्चन नंबर एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ तक पढ़ोगे और एग्जाम्पल एक दो तीन तक पढ़ोगे। तो अब देखिए क्या तीसरा एग्जाम्पल और करवाएं, ठीक है, देखेंगे आप एग्जाम्पल थर्ड को। और ये है सिद्ध कीजिए कि वक्र, आपको कोई वक्र दे रखा है, वक्र एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कैसे सिद्ध कीजिए कि यह जो वक्र है इसकी अनंत स्पर्शियों के आठ प्रतिच्छेद बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं। कितने प्रतिच्छेद बिंदु? आठ प्रतिच्छेद बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं। मतलब वृत्त सिद्ध करना है, जैसे अभी 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 यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे ना उनको सिद्ध किया था कि लाइन पर आठ एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो पर थे, यहां सिद्ध करना है कि वृत्त पर स्थित है। तो आपको सबसे पहले इस वक्र की अनंत स्पर्शी निकालनी होगी, तो आप ये कह सकते हैं जो कि किस फॉर्म में है, एफ फोर प्लस एफ टू इक्वल टू जीरो के रूप का है ना, तब एफ फोर को जीरो रखो तो कुल अनंत स्पर्शी निकल आएंगे। एफ फोर इक्वल टू जीरो से अनंत स्पर्शी, और ये बनेंगी एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से बना एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। और अच्छा देखो आप ऐसे लिखें या फिर एक लाइन और बढ़ा लें, एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई इक्वल टू जीरो। तो जो अनंत स्पर्शी रही वो बनी एक्स जीरो वाई जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इनका अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण है, अतः संयुक्त समीकरण, इनका जो संयुक्त समीकरण है वह बन जाएगा, देखिए ऑलरेडी इनको संयुक्त फॉर्म में लिखोगे ये बनेगा, इसको इतना लिख सकते हो एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको नंबर दो डाल दें और इसे नंबर एक डाल दें, जैसा कि आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक में से दो को घटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी ना, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस क्या है ए, त्रिज्या ए और केंद्र जीरो जीरो है, जो कि एक वृत्त का समीकरण है। अच्छा अब ये एक वृत्त का समीकरण हो गया, तो इसमें कुछ और भी कहा है, जो कि वृत्त को आठ प्रतिच्छेद बिंदु, अब जो कि ये कहा है इसकी अनंत स्पर्शी के आठ प्रतिच्छेद बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो आप देखेंगे कि ये जो वृत्त है ना इसका केंद्र मूल बिंदु है, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकालने हमें आठ। तो आप ये बताओ चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु, फॉर्मूला याद है कि नहीं, कितना है एन इंटू एन माइनस टू, एन की वैल्यू कितनी है, कितने घात का वक्र है ये, चार घात का, चार घात का वक्र है, तो एन की जगह चार, चार माइनस दो बराबर आठ, ठीक है ना, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। जिन स्टूडेंट्स ने एसएमट्यूट्स पढ़ा है यानी ए एक्सरसाइज पढ़ी है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने अनंत स्पर्शी नहीं पढ़ी है, ये जो टॉपिक है ए एक्सरसाइज छोड़ रखी है, उनके समझ में कम आएगा, क्योंकि हमने कुछ इसमें फॉर्मूले बताए थे, कुछ नियम बताए थे जिनके अकॉर्डिंग आप सारी अनंत स्पर्शी निकाल सकते हैं। अगर n घात का वक्र हो तो उसकी अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शी होती हैं,
एन एन घात का वक्र है तो एन अनंत स्पर्शी होंगी ना, तो ऐसा हम सब कुछ बता चुके थे आपको। अब देखिए आप इसमें, अब आप समझेंगे इसमें एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल तीन के बाद, एग्जाम्पल चार पांच के बारे में हमने कहा कि ये सेम एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम्पल लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, एक और दो सॉरी लास्ट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सात आठ उनकी तरह हैं, इसीलिए हम इसको क्या है लास्ट की जो मीटिंग होगी उसमें रखेंगे, यानी अगली जो कल की मीटिंग होगी ना उसमें रखेंगे इनको, और कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पांच या छह में से कोई सा देख लो, पहले छह ही देखें। चालीस हो गया ना, पैंतीस, थर्टी सेवन, अच्छा। अब आप देखेंगे इसमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ये है एक्स वाई, सेम क्वेश्चन है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 25 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू जीरो। ये कायज के चार अनंत स्पर्शी वक्र को फिर आठ बिंदुओं पर काटते हैं जो 4/5 उत्केंद्रता वाले दीर्घवृत्त पर स्थित हैं। मतलब हमें एक दीर्घवृत्त सिद्ध करके बताना है, दीर्घवृत्त सिद्ध करके बताना है। आप देखेंगे इसका सबसे पहले अनंत स्पर्शी निकालेंगे क्योंकि या जो कि एफ फोर प्लस एफ टू, देखो ये चार घात का वक्र है और बाद में एफ टू यानी दो घात के हैं, ये इक्वल टू जीरो के रूप का समीकरण है, जीरो के रूप का है। तब एफ फोर इक्वल टू जीरो से एफ फोर बोले तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो रखोगे, इसका मतलब एक्स वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो रखोगे, अनंत स्पर्शी बनी इसकी, अनंत स्पर्शी जो बनेंगी वो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इनका जो संयुक्त समीकरण होगा उसको लिख देंगे। अब संयुक्त समीकरण, संयुक्त समीकरण तो संयुक्त समीकरण तो यही है ऑलरेडी, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये इसका संयुक्त समीकरण है तो आप समझेंगे कि इस एक में से दो को घटा दो, एक में से दो को घटा दो, एक माइनस दो से, एक माइनस दो से, तो ये टर्म कॉमन है, कट जाएगी, क्या बचा 25 वाई स्क्वायर प्लस का 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 144 बराबर जीरो। आप 144 को पक्षांतर करके ले जाएं तो ये बन गया 144, 144 का भाग लगाओगे तो 22 स्क्वायर बटे यानी 25 वाई स्क्वायर बटे 144 प्लस का 9 एक्स स्क्वायर बटे 144 बराबर एक। अब इसमें आप समझेंगे कि एक्स स्क्वायर के नीचे 144 है ना, एक्स स्क्वायर बटे 144 बटे 9 लिख सकते हैं, और प्लस वाई स्क्वायर है इसके नीचे 144 है इसके नीचे 25 ला सकते हैं ना, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 12 बटे 3 का वर्ग, वाई स्क्वायर बटे में 12 बटे 5 का वर्ग बराबर एक। तो इसको लिख दोगे आप, देखिए आप जो कि क्या है दीर्घवृत्त है ना, अरे दीर्घवृत्त का समीकरण है ना, एलिप्स का ही तो फॉर्मूला होता है, जो कि दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है, जहां ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए ए लिख दो, ए का मान 12/3, बी का मान कितना है 12/5, और उत्केंद्रता ई के लिए क्या होता है दीर्घवृत्त में, क्या हाँ कैसे भी लिख दो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इन टू वन माइनस ई स्क्वायर, ये याद रखा है हम, रखने के लिए बोला है हमने, इसी को याद रखना आप। तो यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू रखो और ई निकालो, तो एक बी का मान कितना है 12 का, देखो वर्ग है ना, तो 12 का वर्ग बटे 5 यानी 144/25, ए स्क्वायर का मान है ये 144/9, 144 खत्म, वन माइनस ई स्क्वायर,
तो 9 ऊपर आएगा ना, 9 बटे 25, 9 बटे में 25 बराबर में 1 माइनस का ई स्क्वायर, ई स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ, 1 माइनस का 9 बटे 25, तो ये बचा कितना 16 बटे 25। तो यहाँ से ई का जो मान निकला वो क्या आएगा, वर्गमूल लोगे ना 16 बटे 25 का, तो 4 बटे 5। प्रतिच्छेद बिंदु तो आपको पता है, 4 घात का वक्र है, तो 4 4 गुणा में 4 माइनस 2 8 होगा ना, तो उस 8 को लिख दोगे, आप लिखना चाहें तो लिख दो। तथा प्रतिच्छेद बिंदु, तथा प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु और ये बनेंगे बराबर में एन इंटू एन माइनस का 2 बराबर में 4 गुणा में 4 माइनस 2 बराबर 8। ओके, स्क्रीन शॉट लें इसका सभी। हाँ सेम ऐसे ही है, सभी ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है, अब सभी क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। ओके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोई और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसीलिए तो सेलेक्ट नहीं कर रहे थे हम तब से। अब देखिए इसमें कोई और क्वेश्चन, जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहां और स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें सिद्ध करवाया है ना कि एक अति परवलय पर स्थित है, अति परवलय सिद्ध करवाया है, तो अब बच्चे ढूंढते हैं कि अति परवलय का समीकरण कहां है, क्योंकि व्यापक रूप में अति परवलय का समीकरण आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ये आपको 2D की जो बुक होगी उसमें समझाया जाएगा व्यापक रूप में अति परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। ओके, सभी समझाए जाएंगे वहां आपको, लेकिन फिलहाल आप यह प्रॉब्लम देखेंगे 5th क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि वक्र, आपको वक्र दिया है एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये काय सिद्ध कीजिए कि इस वक्र तथा इसके अनंत स्पर्शियों, अनंत स्पर्शी के 8 प्रतिच्छेद बिंदु एक परवलय पर स्थित हैं। यानी हमें क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु जो 8 बनेंगे ना वह परवलय पर स्थित है ऐसा सिद्ध करना है, लेकिन इससे पहले इसके लिए अनंत स्पर्शी निकालनी होंगी हमें। x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू m लेने पर इसकी जितनी भी अनंत स्पर्शी हो सकती है उनको निकालेंगे, उसके लिए ये बनेगा फाई फोर एम, फाई फोर एम, या आप देखिए सीधे देख सकते हैं इसको, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये किस फॉर्म में, जो कि F4 प्लस और ये F2 है ना, F2 इक्वल टू 0 के रूप का है, तब F4 को 0 रखो, F4 इक्वल टू 0 से, और ये बनेगा x की पावर 4 माइनस 5 x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का 4 बाई 4 इक्वल टू 0।
इसको आप लिख सकते हो x4 माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस माइनस का x स्क्वायर बाई स्क्वायर और साथ में प्लस का 4 बाई 4 बाई 4 इक्वल टू जीरो। और यह बनेगा इसमें से अगर x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर माइनस का यहां से y स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस का 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर को अगर कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको भी लिख सकते हो x प्लस 2y इंटू x माइनस का 2y साथ में x प्लस y इंटू में x माइनस का y इक्वल टू जीरो। टोटल अनंत स्पर्शी चार हो गई ना, ये इनको लिखें अलग अलग तो लिख सकते हैं अनंत स्पर्शी। एक तो बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू जीरो, दूसरी रहेगी x माइनस 2y इक्वल टू जीरो, तीसरी है ये x प्लस y इक्वल टू जीरो और x माइनस का y इक्वल टू जीरो। ये इसकी सभी अनंत स्पर्शियां हो गई। अब हमें करना क्या है कि इसमें संयुक्त समीकरण निकालना है। अब जो इनका संयुक्त समीकरण है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, संयुक्त समीकरण आप देखेंगे संयुक्त समीकरण इसी के तो फैक्टर किए हैं आपने, तो ये है x4 माइनस का 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का 4y4 इक्वल टू जीरो। इसको नंबर दो डालेंगे और जो दिया है इसे एक डालेंगे, एक में से दो घटा देंगे, 1 माइनस का 2 इंप्लाइज आप देखोगे ये पूरी टर्म यहां तक कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे ये है अति प्रबलय का समीकरण, ये व्यापक रूप में है, आप चाहें तो लिख सकते हो जो कि अति प्रबलय का समीकरण है, जो कि अति प्रबलय का, किसको लग रहा है ये अति प्रबलय का है, कितनों को ऐसा लग रहा है ये अति प्रबलय का समीकरण है? नहीं लग रहा किसी को? ऐसे तो नहीं सोच रहे, हमने तो ऐसा कभी देखा भी नहीं है। क्यों भाई ऐसा तो नहीं लग रहा? कि लग रहा है बोलो, लग रहा है या नहीं है कि है ये अति प्रबल है? ये किताब वाला तो झूठ भी बोल सकता है ना, बताओ जल्दी से चेक करके। देखिए हम आपको इधर वेरीफाई करा देते हैं, ये अति प्रबलय का समीकरण है वो कैसे समझें। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का x प्लस y और प्लस का 1 इक्वल टू जीरो, यही तो है ना। आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस x को एक साथ लिखो, माइनस कॉमन लो, y स्क्वायर माइनस y को एक साथ लिखो और इस एक को पक्षांतर करके राइट साइड में ले जाओ। अब आप देखेंगे कि आपको पता है x का जो गुणांक है वो एक है, तो इस एक का आधा जो कि एक बटे दो होगा इसका वर्ग जोड़ दिया, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और ऐसे ही क्या है इधर इतना ही हमने घटा दिया, क्या कर दिया एक बटे दो का वर्ग घटा दिया। देखो एक बटे दो यहां माइनस का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा ना, क्या बना फिर ये, यह बनेगा यहाँ बाई स्क्वायर माइनस बाई और प्लस का वन बाई टू का स्क्वायर। ध्यान दो ये प्लस का एक बटे दो का वर्ग और ये माइनस एक बटे दो का वर्ग, इतना ही जोड़ा इतना ही घटाया, बराबर में कितना ही है माइनस एक, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें जो माइनस एक है। तो आप इसको एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और माइनस इसको बाई माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, माइनस से गुणा कर दो इसमें तो ये बाई माइनस वन बाई टू का स्क्वायर और ये माइनस का एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू वन बन जाएगा ना ये। तो यह क्या हो गया देखो, अब अगर आप ये सोचें कि इसे इसके बटे में तो आ नहीं रहा, अरे जरूरी नहीं है बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो या फिर इसका एलसीएम लेकर के दो आ जाएगा बटे में, तो ये व्यापक रूप में बन जाता है। ये पता है ना आपको अति प्रबलय में क्या है, यहाँ माइनस आता है, ठीक है ना, क्या आता है ये माइनस, ओके। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है बुक में कि जो क्वेश्चन है एक तो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो बचे हैं इनको करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ भाई ललित, तब तो लग रहा है कि नहीं लग रहा,
अरे अब तो ऐसा लग रहा है ना, ये अति प्रवलय का समीकरण है। अच्छा, आप देखो इसमें आपके इस एक्सरसाइज में केवल और केवल चार क्वेश्चन बचे हैं जिनको हमें कराना है, लेकिन चार नहीं कराने, हमें कोई दो कराने, बाकी के दो आपको करने, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देंगे, क्वेश्चन हम करा देंगे, सही रहेगा ना। अब देखो इन दो के बाद में आपके पास में कुछ अनंत स्पर्शी के, यानी ध्रुवीय रूप में जो अनंत स्पर्शी है ना, उसके लिए कुछ कंडीशन रहेगी, तो आप सभी हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालें सभी ध्रुवीय वक्रों के अनंत स्पर्शी। एग्जाम में नहीं बनता इसमें से क्वेश्चन, पर डेफिनेशन तो लिख लो इसकी, ध्रुवीय वक्रों के अनंत स्पर्शी। इसमें पहला पॉइंट डालोगे सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, सरल रेखीय अनंत स्पर्श, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी। इसमें लिखेंगे आप यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण 1/r = f(θ) हो तथा f(θ = 0 से, तथा f(θ = 0 का एक मूल कितना हो अल्फा, f(θ = 0 का, अरे आप लिखेंगे इसको यदि वक्र का समीकरण, पूरा लिखो, यदि वक्र का समीकरण 1/r = f(θ हो तथा f(θ = 0 का एक मूल अल्फा है, एक मूल अल्फा है, तब अनंत स्पर्शी, तब अनंत स्पर्शी जो निकाली जाती है, अनंत स्पर्शी उसे निकालने के लिए r sin θ - α = 1/f(α) एक तो ये होगी, लेकिन ये है सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, दूसरा है वृत्तीय अनंत स्पर्शी। अगली हेडिंग रहेगी वृत्तीय अनंत स्पर्शी, वृत्तीय अनंत स्पर्शी, वृत्तीय अनंत स्पर्शी। तो इसमें यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण r = f(θ है तथा लिमिट θ→∞ f(θ = a हो तो अनंत स्पर्शी r = a होगी, तो अनंत स्पर्शी r = a होती है, या r = a होगी, ठीक है ना। ये दो तरह से अनंत स्पर्शी निकाली जाती है यहाँ। अब इन पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो कि कभी नहीं पूछे। इनमें से एक एग्जाम्पल है 3, वो भरतपुर सोले में पूछा है, बाकी का कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या होगा इसमें, एक तो अनंत स्पर्शी की परिभाषा, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो बुक के पीछे ही लिखे होते हैं, यानी जो चैप्टर है ना, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, और उन 10 के 10 क्वेश्चन आपको बुक के पीछे एक्सरसाइज जैसे ही कंप्लीट होती है उसके जस्ट पीछे लिखे होंगे, वहां से मिल जाएंगे। तो ये है पहले अनंत स्पर्शी की परिभाषा जो कि आपको करा दी, फिर है समांतर एवं तिर्यक अनंत स्पर्शी, समांतर अनंत स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, ऐसा सब कुछ लिखा दिया है आपको, तिर्यक अनंत स्पर्शी भी लिखा दी है। फिर है दिए, ये है अगला क्वेश्चन तीसरा, किसी दिए हुए वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, लिखा दिया आपको। चौथा है निरीक्षण विधि द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि, निरीक्षण विधि में आपको बताया x = 1 और y = m रख करके, नहीं f(n+f(n-2) = 0 में से f(n) को 0 रख करके सॉल्व करते हैं। फिर है ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का फॉर्मूला, किसी एक को लिख दो,
दूसरा है वृत्ती अनंत स्पर्शी के लिए फॉर्मूला, सातवां क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस टू द फॉलोइंग कर्व्स, यानी एक कर्व दे रखी है उसकी एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, अक्ष के समान एक्स के या वाई के जो भी हो निकाल सकते हैं आप, ऐसा हम आपको पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी लिखो, तो वहाँ उसकी अनंत स्पर्शी लिखनी है। 9 में कहा है एक वक्र दे रखा है संयुक्त समीकरण पूछा है उसने, उसको लिख दोगे। अरे कहने का मतलब ये शॉर्ट में लास्ट में जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के उनको पढ़ के जाना है आपको एग्जाम टाइम पे, ये इंतजार नहीं करेंगे कि टीचर ने लिखा ही नहीं, ठीक है ना, कहीं वहां एग्जाम हॉल में बैठ करके फिर सोचें कि हमारे लिए तो मास्टर ने कराया ही नहीं, ऐसे नहीं सोचोगे। जो भी चैप्टर आपको कराते जा रहे हैं उसके जस्ट पीछे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के, उन सबको करना है, ठीक है। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।